यस गुड इवनिंग एवरीवन हेलो बच्चों कैसे आप लोग तो यार कल का सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया थोड़े आ, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी आप लोगों को और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हैं सिक्वेंसी सीरीज का लेक्चर टू स्टार बैच में और ये स्टार बैच के बारे में बता देता हूं ये एक्टमे अकेडमी की तरफ से लाया हुआ एक रेवोल्यूशन है कि हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कंप्यूटर एंड इंग्लिश मतलब आपका पूरा निम सेट का सिलेबस आपके यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ाऊंगा एक दिन का टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हुआ है कल का तो इस वीक का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं जो अपना डाउट सेशन था उसकी जगह पे हम लोग इस बार डाउट सेशन को सटरडे शिफ्ट करेंगे सटरडे जो ऑफ था उसमें क्लास होगी और जो फ्राइडे था उस दिन हम लोग क्या कर देंगे बेटा ब्लड रिलेशन को लेके जाएंगे और कल हम लोग निमसेट के पीवाई क्यूज करेंगे क्लियर है बच्चों मतलब पूरी पास्ट गैलरी हम लोग कल देखेंगे मीन एक दिन हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है टाइम टेबल को को जो ऑफ ऑफ सैटरडे था वो मान लीजिए आप इस ट्यूसडे को हो गया था इज दिस क्लियर वन मेरी वॉइस क्लियर आप लोगों को एक बार फटाफट बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों तो देरी नहीं करते हैं मैं बता देता हूं स्टार बैच अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे स्टार बैच ज्वाइन करेंगे आप लोग आपको क्या करना है बेटा एक्मे अकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है बैचेस के सेक्शन में जाना है प्लस आइटन पे क्लिक करना है और एक कोड डालना है कोड में हैज नहीं है याद रखना ए सी एम ई एस टी ए आर स्टार बैच में स्टार बैच और रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है साथ ही साथ आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है ठीक है अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं ऑनलाइन बच्चों तो ये हो गया स्टार बैच के बारे में साथ ही साथ अर्जुना 2.0 अगर आपको बनना है अर्जुन और अगर आपको चाहिए आ, कह सकते हो कि अर्जुन जैसा सफलता अर्जुन जैसी आपको डिटर्मिनेशन चाहिए तो आप अर्जुना 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं ये हमारा कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ ऑफ जनवरी से बहुत सारे बच्चे अर्जुना 2.0 में इनरोल कर चुके हैं और कल का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा स्टेटिस्टिक्स यस स्टेटिस्टिक होगा फिर पीएनसी होगा फिर प्रोबेबिलिटी होगा तो आप अर्जुना 2.0 पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं आपका टारगेट 23 अगर है तो 24 है 25 है आप अर्जुना बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है बच्चों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे इन नंबर पर इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं एट वन जीरो नाइन या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं सो इट्स टाइम फॉर स्टार्ट द क्लास सो लेट्स स्टार्ट द क्लास जितने भी बच्चे हैं फटाफट लाइक करिए इस सेशन को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ताकि हर उस बच्चे तक ये सेशन पहुंच पाए जिसको भी नीड है जो भी फाइनेंशियली वीक है और वो यूट्यूब पे आके फ्री पढ़ाई करना चाहता है एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे मैंने आपको लास्ट क्लास में याद होगा जब पहली क्लास ली थी सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर तो वहां पे डिटेल में निमसेट के बारे में बताया था कि निमसेट का मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसा है और हमें कैसे पढ़ना है हमने तीन मॉड्यूल बनाए थे आप लोगों ने भी तीन मॉड्यूल बना लिए होंगे और मॉड्यूल वन के एफ का आप वेट कर रहे होंगे जो कि अगले वीक के मंडे से या हो सकता है इसी संडे से रिलीज होना शुरू हो जाएगा वीडियो फॉर्मेट में साथ ही साथ सीक्वेंस सीरीज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक सेट थ्योरी ऑलराइट बच्चों गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सभी को लेट्स स्टार्ट द सेशन बच्चों तो सीक्वेंस सीरीज हमारा चल रहा है सीक्वेंस सीरीज में हमने सीक्वेंस समझ लिया था सीरीज समझ ली थी प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं जब कोई सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करने लगता है तो उसे

Uh, put the heading, अपनी कॉपी निकाल लीजिए अपना पेन निकाल लीजिए और डालिए हेडिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यस बच्चों ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी लगता है कुछ बच्चों को जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा बोल रहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बट बहुत मजा आने वाला है जीपी में आपको फटाफट नोट कर लीजिए जीपी में आपको बहुत मजा आने वाला है ऑल राइट right, बच्चो तो ज्योमेटिकल प्रोग्रेशन में मैं अगर आपसे बात करूं तो बच्चों यहां पे क्या होता है जो भी नेक्स्ट टर्म आता है वो पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होकर आता है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा वो पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा और राइट सो बच्चों अगर मैं पहले टर्म की बात करता हूं कि अवर फर्स्ट टर्म इज ए दिस इज आवर टर्म वन तो डेफिनेटली टर्म टू पे हमें इस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हुआ आर इसका मतलब टर्म थ्री पे जब हम पहुंचेंगे तो कन्फर्म है कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से वही सेम मल्टीप्लाई होगा तो टी ए आर स्क्वायर टर्म फोर पे हमें ए आर क्यू मिलेगा और टर्म यहां पे ए आर फोर है सॉरी ठीक है इसको फोर कर लो बच्चों और टर्म फाइव पे हमें मिलेगा ए आर की पावर फोर बच्चों गैस करिए जब हम ऐसे डॉट 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 जाएंगे और टर्म एन बा चाहेंगे एन एच टर्म चाहेंगे तो क्या होगा आप देखिए थर्ड टर्म में आर की पावर टू है ए है फोर्थ टर्म में आर की पावर थ्री है तो आप पैटर्न समझ रहे होंगे ए आर की पावर एन माइनस वन सो दिस इज योर एन टर्म अगर कोई एन टर्म की बात कर रहा होगा तो आप उसे आंसर क्या दोगे बोलो बच्चों एनथ टर्म की बात कर रहा होगा तो आंसर दोगे ए आर की पावर एन माइनस वन ए है हमारा फर्स्ट टर्म और आर है हमारा कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो क्यों क्योंकि कोई भी दो कॉन्जुक टर्म उठाओगे T2 में T1 का डिवाइड करो T3 में T2 का डिवाइड करो T4 में T3 का डिवाइड करो आपको मिलेगा कॉमन रेशियो बच्चों तो आपका NTH टर्म रेडी हो गया अब मुझे जरा फटाफट कमेंट करके बताइए फिफ्टीन टर्म क्या होगा आप बोलोगे सर ए आर की पावर फोर्टीन हंड्रेड टर्म क्या होगा बोलोगे सर ए आर की पावर नाइनटी नाइन बोलूंगा फाइव हंड्रेड टर्म क्या होगा बोलोगे सर ए आर की पावर फोर नाइन मैं पूछूंगा अगर आपसे कि बेटा आप बताइए मुझे टू एन क्या होगा तो आप बोलोगे सर ए आर की पावर टू एन माइनस वन इट इज वेरी इजी आपसे कोई भी टर्म पूछा जा सकता है इज क्लियर इज दिस क्लियर बच्चों आपसे कोई भी टर्म पूछा जा सकता है यस और नो ऑल राइट बच्चों मेरे आप हेडिंग डाल लीजिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी मतलब किसी जीपी के अगर मुझे एन टर्म्स का सम चाहिए किसी जीपी के मुझे एन टर्म्स का सम चाहिए तो हम कैसे करेंगे बोलो बच्चों कैसे करेंगे इट इज वेरी इजी कैसे करेंगे बोलो एस एन का फॉर्मूला है अगर आर की वैल्यू वन है तो एन ए हो जाएगा क्यों सोचो अगर हमारी एस एस सी मिल जाए क्या फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव और मैं आपसे कहूँ दस टर्म तक का सम करो टेन टर्म्स तक का कर सम करो तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे आर तो बनी है बन का मल्टीप्लाई होता जा रहा है दैट मीन्स सीधा आंसर हो जाएगा टेन इंटू फाइव इन इज फिफ्टी यस नो बट अगर आर की वैल्यू बन के अलावा कुछ भी होती है वैसे आपको यहाँ पे बाईफ मिल जाएगा इस फॉर्मूले का कि अगर आर की वैल्यू बन से बड़ी है तो ये वाला लगाना बन से छोटी है तो बन माइनस लगाना बट दोनों का मतलब सेम है कॉमन लेके कट करेंगे मतलब सेम आएगा इज दिस क्लियर अबरी वन आर की वैल्यू अगर वन नहीं है तो आंसर होगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को पूरा जीपी इन फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है यस नो फटाफट अप्लाई करते जाइए समझ आ रहा है आप लोगों को बच्चा पार्टी यस yes, बेटा कल आपको मिल जाएगा असाइनमेंट यस yes. कल आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा और कल हम लोग आपके सामने ओपन करेंगे पास्ट गैलरी पास्ट गैलरी मींस पूरा निम्सेट का क्वेश्चंस 2008 टू सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे आप समझ पाओगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है गॉट इट आप यह समझ पाओगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है इट बच्चो इज दिस क्लियर वन सो इट्स टाइम फॉर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड और ये स्लाइड होगी बच्चों हमारी किसकी होगी किसकी होगी लेट्स सी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी यस बच्चों अगर मुझे जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम करना है मतलब बच्चों पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म और यही करते चले जाना है इनफाइनाइट टर्म तक तो याद रखिए इन जीपी इन एपी तो ये पॉसिबल ही नहीं है नॉट पॉसिबल यस और नो इन एपी ये पॉसिबल नहीं है फाइनल टर्म का सम करना एपी में पॉसिबल नहीं है बट फिर भी रामानुजन जी ने किया था अगर आपने सेशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रामानुजन जी ने एपी में इनफाइनाइट टर्म का भी सम करके दिखाया था कैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आप जानते तो एपी में है या सुनो ये एपी में है बच्चों और इसका टर्म का सम कर दिया था राम मनोजन जी ने बोले थे माइनस वन बाई ट्वेल्व होगा इसका डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया था उन्होंने और मैंने वो डिटेल में किया है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको ऑल <coughs> राइट right, बच्चों क्लियर है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एपी में तो टर्म का सम पॉसिबल नहीं है बट अगर बच्चों हम लोग चलते हैं किसमें जीपी में तो जीपी में भी कंडीशन है टर्म माइनस वन बाई ट्वेल्व निकाल दिया था इसीलिए बोलते थे इसको पैराडॉक्स पैराडॉक्स मतलब मतलब ऐसी बात जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है जो गलत हो रही है ठीक है तो AP, में बच्चों अगर आर की वैल्यू हमारी माइनस वन से वन के बीच में है तो ये पॉसिबल है तो इनफाइनाइट टर्म का सम पॉसिबल है और पॉसिबल होके इनफाइनाइट टर्म का सम होगा ए अपॉन वन माइनस आर हम इस कंडीशन को ये लिख सकते हैं या इसी कंडीशन को लिख सकते हैं कि मॉड आर की वैल्यू लेस देन वन है तो ये पॉसिबल है आगे से आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए वैसे ये सारी बातें मैंने क्वालिटी में कर रहे होंगे क्या कि अगर मॉड एक्स हमारा लेस देन के लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि एक्स इज लेस देन माइनस के ग्रेटर देन माइनस के एन लेस देन के ये मॉड की कहा, कहानी है आप पढ़ लीजिएगा ये सब हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे अगर मॉड एक्स कैसे बड़ा है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक्स होगा बच्चों वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस के तक होगा यूनियन के से लेके इनफाइनाइट तक होगा यूनियन लगा है इन दोनों के बीच में याद रखिएगा तो ये मॉड की कहानी तो बच्चों यही लिखा है, है तो कन्फर्म आर की पावर एन भी इनफाइना की तरफ जाएगा मतलब हमारा मॉड आर लेस लेस देन बंद हो जाएगा मतलब इस कंडीशन में हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आंसर लगाएंगे एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जीपी में आपको मिलेंगे एक बार फटाफट फ़ड़ रिप्लाई कर दीजिए यहां तक क्लियर सभी का जितने भी बच्चे वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे फटाफट फड़ रिप्लाई करिए यहां तक क्लियर है और फटाफट फड़ लाइक भी कर दीजिए रुकिए मत रुकिए मत लाइक भी करते जाइए आगे बढ़ता हूं मैं लाइक भी करते जाइए बच्चों सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इट्स योर टाइम इट्स योर टाइम इट्स योर टाइम इट्स योर टाइम कम ऑन रिप्लाई फास्ट इट्स योर टाइम सो so, किसी बच्चे का आंसर आया क्या आंसर आया क्या आंसर आया क्या फर्स्ट टर्म किसी जीपी का वन है दैट मीन्स बच्चा पार्टी दैट मीन्स बच्चा पार्टी अगर सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का तो पहला टर्म वन है सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज नाइन्टी अ थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू दिया गया है वो नाइन्टी दिया गया है थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म होता है ए आर की पावर फोर इज इक्वल टू नाइनटी ए का वैल्यू चूंकि वन है जैसे ही वन पुट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर इज इक्वल टू नाइन्टी ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर इज इजक्वल टू नाइन्टी अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास एक क्वॉडिटिक टाइप का इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो यस और नो यस और नो बच्चों वो लिए फटाफट अब हमें करना है इस इक्वेशन को सॉल्व तो या तो आप में बनाइए या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका इसको आप आर स्क्वायर का स्क्वायर समझो अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप इसे आर स्क्वायर का स्क्वायर समझो इसे सिर्फ आप आर स्क्वायर समझो इसे 90 समझो so, like कि हमें 90 चाहिए क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट टेन नाइन जाए नाइन्टी और टेन में से नाइन जाएगा वन आएगा यस और नो तो टेन आर स्क्वायर माइनस नाइन आर स्क्वायर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा बट कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने इतना डिटेल में सॉल्व किया प्लस टेन कॉमन आएगा और बच्चों यहां से नाइन कॉमन लेंगे तो आर कॉमन आएगा सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ब्रैकेट में आ रहा है आर स्क्वायर माइनस नाइन और दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है आर स्क्वायर प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो वैसे कल के मैच का क्या हुआ है किसी को पता है क्या कौन जीता मैंने आधा मैच देखा था बट क्लास नहीं हो पाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया फिर मैंने कोई मैच ही नहीं देखा मैंने अपडेशन भी नहीं लिया है ना मैंने उसका अपडेशन भी नहीं लिया कि भाई कौन जीता बोलो बच्चों भाई किसी ने देखा क्या मैच समय है कैसी कि किसी के पास अपना कि वो निमसेट की तैयारी छोड़ के मैच देख रहा हो बताइए बताइए मैं जानना चाहता हूं पर्सन को देखना चाहता हूं बताइए है कौन वो यहां इज दिस क्लियर बच्चों सो यहां से यार मुझे आर की वैल्यू नहीं मिल पाएगी इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नेवर पॉसिबल नोट करके लिखो ऊपर लिखो, ऊपर की कॉपी में लिखो द इवन पावर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर वी नेगेटिव किसी भी नंबर की इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती अगर कोई भी नंबर उसकी पावर इवन है टू हो फोर हो वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी तो ये आर स्क्वायर कभी माइनस टेन नहीं हो सकती आर स्क्वायर नाइन हो सकता है और आर का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस थ्री यस और नो चाहे आप आर की वैल्यू को थ्री मानो चाहे माइनस थ्री तो फाइंड द कॉमन रेशियो तो बच्चों आर की वैल्यू थ्री भी चलेगा आंसर में और आर की वैल्यू माइनस थ्री भी चलेगा दोनों दिया होगा तो बोथ बोथ आंसर आएगा कोई एक दिया होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा यस और नो क्लियर है यहां तक सभी को रिप्लाई करते जाइए फटाफट बताइए यस और नो इंडिया जीत गई क्या बात है भाई इंडिया जीत गई यार दो रन से बिल्कुल मतलब बढ़िया बात हुई यार ये तो है ना ये तो एक अच्छा साइन है भाई इंडिया जीत रही है है ना इंडिया जीत रही है यार दीपक हुडा ने कमाल कर दिया है दीपक हुडा ने कमाल कर दिया अच्छा मारा चलो बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बन से लेके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है और बीस टर्म का सम निकालना है फॉर्मूला हमको पता है चीजें हमको पता ही है पता है देर लगनी नहीं है तो बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं ए का वैल्यू वन आर का वैल्यू वन बाई थ्री किसका मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में वन बाई थ्री का देख रहा है ना पहले पार्ट में एन का वैल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी टर्म का करना है तो एस ट्वेंटी का फॉर्मूला याद है फॉर्मूला पढ़ाया था एस एन का क्या पढ़ाया था लिख लो दिमाग एस वन अपॉन आर माइनस वन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए फटाफट 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 क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है बस है ना एक ही वैल्यू क्या है वन वन बाई थ्री की पावर ट्वेंटी माइनस वन होल अपॉन में वन बाई थ्री माइनस वन क्लियर है इसको का मल्टीप्लाई तो बनी हो जाएगा वन अपॉन थ्री की पावर ट्वेंटी बोल सकते हैं माइनस वन और होल अपॉन में अगर यहां एलसीएम ले, ले लेंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे एलसीएम थ्री आएगा वन माइनस थ्री ऐसा हो जाएगा राइट इधर भी एलसीएम ले लेते ले हैं तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस थ्री की पावर ट्वेंटी अपॉन थ्री की पावर ट्वेंटी होल अपॉन में माइनस टू अपॉन थ्री ये पलटेगा फ्लिप हो जाएगा फ्लिप होने का मतलब क्या होता है वन माइनस थ्री की पावर ट्वेंटी होल अपॉन में थ्री की पावर ट्वेंटी और ये फ्लिप होके बदल जाएगा ये ऊपर थ्री पहुंच जाएगा नीचे माइनस टू थ्री से एक पावर कम हो जाएगी इसकी तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस सॉरी वन माइनस थ्री की पावर ट्वेंटी होल अपॉन में माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे थ्री की पावर ट्वेंटी माइनस वन अपॉन टू दिस इज योर राइटर सॉरी सॉरी मिस्टेक यहां पर थ्री की पावर नाइनटीन भी बचेगा तो थ्री की पावर आंसर राइट so right? आप इस आंसर को भी बोल सकते हो आप डिवाइड भी, भी कर सकते हो इट्स योर चॉइस आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो इट्स योर चॉइस ठीक है देख ले तो आंसर क्या दिया इसमें यही आंसर दिया है सेम टू सेम आंसर दिया है ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा सभी को अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में सेकेंड पार्ट तो और आसान होने वाला है क्योंकि बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम पूछ लिया है इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा जाए तो सबसे पहले आर को गौर से देखो आर को गौर से देखा गो देखा वन से छोटा है है तो ये फॉर्मूला क्या होगा ए अपॉन वन माइनस आर तो ऐसे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जल्दी बोलो ए की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री आंसर क्या हो जाएगा वन अपॉन टू बाई थ्री आंसर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू तो इस सीरीज को अगर पूरे को ऐड करेंगे ना पूरे को तो बेटा थ्री बाई टून पॉइंट फाइव आएगा सबको ऐड कर दूं, टर्म को उठा के तो ही आंसर होगा दिस क्लियर क्या पूछ रही हो कशिश तुम इसके पहले वाले में डायरेक्ट कैसे निकालते कौन सा कहां से कहां से कहां से कहां से पिछले क्वेश्चन में बात कर रही होगी आप तो बेटा वो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे उसे आप कोई क्वेश्चन को, को सॉल्व ही करना पड़ेगा कॉमन लेके वो सॉल्व नहीं होगा जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन की अगर बात कर रही हो कि आर की पावर फोर माइनस आर स्क्वायर माइनस नाइनटी सॉरी प्लस आर स्क्वायर माइनस नाइनटी जो इक्वेशन थी आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर पाओगे आपको या तो खुद से वेरीफाई करना होगा मान लो ऑप्शन दिए होते थ्री तो आप थ्री रख के देख लेते तो आपका चेक हो जाता है ना थ्री रख के देखते हैं आप तो थ्री यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाता है एट्टी वन हो जाता और ये कितना हो जाता है बेटा नाइन हो जाता तो एट्टी वन और नाइन क्या हो जाता है और नाइन्टी माइनस नाइन्टी सेटिस्फाई हो जाता तो थ्री पे आंसर आ जाता माइनस थ्री रखते तो भी आंसर आ जाता अगर ऑप्शन होता तो सेटिस्फाई कर लेते इज दिस क्लियर बच्चों अगर ऑप्शन होता पिछले क्वेश्चन में हमारे पास तो हम इसको सेटिस्फाई कर लेते क्लियर हुआ समझ आया अगर ऑप्शन होता तो जरूर सेटिस्फाई कर लिए होते हम लोग क्लियर है बच्चों फटाफट फड़ अप्लाई करते जाइए ये अगर ऑप्शन होता ऐसे दिया होता कि प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो हम लोग इसको जैसे ही रखते हैं मुझे पता चल जाता कि वो सेटिस्फाई हो गया ऑल राइट मूविंग नेक्स्ट अगली तरफ तो बच्चों अब टाइम आ गया शॉर्ट ट्रिक का ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन क्या है और शॉर्ट ट्रिक क्या है दोनों समझा देता हूं मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक देता है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि के प्लस के के ऐसा लगता चला जाए टर्म्स तक तो इसका आंसर होता है ये ठीक है के क्या होता है कोई भी नॉन जीरो डिजिट कोई भी नॉन जीरो डिजिट डिजिट जानते हो जीरो से लेकर नाइन तक होते हैं नॉन जीरो बोलते हैं तो बन से लेकर नाइन तक मतलब इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे बनेगा कोई आपसे पूछे वैल्यू किसकी थ्री 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 और ये बोलते कोई आपको कि टेन टर्म्स तक इसे सम सम करो समे नंबर्स का टेन टर्म्स तक सम करो तो आपको ये ना तो एपी में देख रहे होंगे ना ही जी में देख रहे होंगे इसको करने का तरीका समझा देता हूँ सबसे पहले थ्री कॉमन ले लो वन प्लस इलेवन वन 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 आपको टेन टर्म्स तक मान लो सम करना है टेन टर्म्स लिख लो थ्री बाहर कॉमन है अब एक काम करिए नाइन से मल्टीप्लाई करिए और नाइन से डिवाइड करिए तो नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन नाइनटी नाइन 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 थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन प्लस अप टू टेन टर्म्स तक हमें सम करना है ऑल राइट थ्री बाई नाइन अगर मैं इसको देखूं बेटा तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन माइनस वन इसको मैं लिख सकता हूं टेन का स्क्वायर माइनस वन इसको मैं लिख सकता हूं टेन का क्यूब माइनस वन इसको मैं लिख सकता हूं टेन की पावर फोर माइनस वन आप समझ रहे होगा ऐसे टेन टर्म्स तक जाएंगे हम लोग यह सुनो तो बच्चों ये माइनस 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 कलेक्ट होकर टेन बार माइनस टेन हो चुका होगा इज दिस क्लियर तो सीरीज कुछ ऐसी दिख रही होगी और ये टेन की सीरीज बन चुकी होगी कैसे टेन प्लस टेन स्कवायर प्लस टेन क्यू यह हो गया होगा टेन टर्म्स तक कितने टर्म्स तक टेन टर्म्स तक अप टू टेन टर्म्स राइट इसका सम जो हुआ होगा वो कितने टर्म तक बेटा अप टू टेन टर्म्स तक इज दिस क्लियर मैं पहले पूरा डिटेल मेथड बता दे रहा हूं और माइनस में टेन एक और आ चुका होगा इतना बड़ा हमारा सॉल्व होगा तो थ्री बाई नाइन इधर हमारी जीपी बन जाएगी टेन टर्म्स की जिसका ए क्या होगा टेन और आर क्या होगा टेन फॉर्मूला क्या लगेगा टेन ए आर की पावर यानी कि 10 की पावर टेन माइनस वन होल माइनस वन और माइनस का टेन अलग होगा ऐसे हम सॉल्व करेंगे तब मुझे आंसर मिलेगा इज दिस दिस क्लियर तो द प्रॉपर मेथड अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो प्रॉपर मेथड होगा बट अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से बनाते बच्चों तो आंसर क्या होता के की जगह क्या है थ्री के की जगह क्या है थ्री तो थ्री आ जाता इसके की जगह अपॉन में क्या आ जाता है एट्टी वन और टेन की पावर क्या हो जाएगा कितने टर्म तक करना है एंड टेन तक टेन टर्म तक तो इलेवन माइनस नाइन इंटू टेन माइनस टेन तो आंसर क्या हो जाएगा थ्री बाई एटी वन टेन की पावर इलेवन ये नाइन्टी हो जाएगा माइनस का हंड्रेड तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो चुका होता समझ आई कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक है मजेदार है डायरेक्ट टिक करना एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन और बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है ये दिस क्लियर बच्चों अगर इनफाइनाइट टर्म में आर का वैल्यू वन से बड़ा होता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही हो जाएगा इनफाइनाइट ठीक है इनफाइनाइट ही हो जाएगा फटाफट देखते जाइए रिप्लाई करते जाइए यार इधर ठंडी नहीं रहती ज़्यादा इधर हाफ टी शर्ट में हूं मैं यार यहाँ कहाँ ठंडी है तुम्हारे यूपी में ठंडी हो रही मतलब हमारे यूपी में हम भी तो यूपी के हैं अरे भाई तुम लोगों को पता है ना मैं यूपी से ही हूँ ये चीज़ पता है कि नहीं है तुम लोगों को ठीक है अपने यूपी से ही हैं हम भी पता है मुझे वहाँ पे अभी थ्री डिग्री सेंटीग्रेट था कल साढ़े तीन डिग्री था कल कानपुर में ठीक है कल कानपुर में साढ़े तीन डिग्री था समझ आ गया कंसेप्ट क्लियर हो गया फटाफट बोलो मजा आया ये शॉर्ट ट्रिक में मजा आया सभी को इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फटाफट फटा आंसर करिएगा फटाफट फटा आंसर करिएगा और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन बताओ कौन सा उड़ा के मारो ये क्वेश्चन आया हुआ है निमसेट में ये क्वेश्चन सॉरी निमसेट में नहीं आया हुआ ये आई आई टी में आया हुआ है ये आई आई जे डबल ई का क्वेश्चन है निमसेट में शायद आया हुआ है नाइन के साथ है ना ये आई डी का क्वेश्चन है फटाफट फट आंसर मारो अरे राजस्थान में माइनस वन है क्या बात है भाई राजस्थान में भी यार हमारे मामा रहते हैं जयपुर में ठीक है बिहार में और भी ज्यादा अरे बाप रे भाई ठंडी बहुत अच्छा ठंडी में ना रायपुर आ जाओ मैं सच बता रहा हूँ जो बच्चे निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग ना अगर ठंडी से डरते हो तो मुझे तो ठंडी में अच्छा लगता है तो आप लोग रायपुर आ जाया करो यार बढ़िया है इनसेट की तैयारी करो दो तीन महीने चले जाओ बढ़िया हॉस्टल में रह के कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उत्तराखंड में तो माइनस टू चल रहा है भाई जयप्रकाश देवांगन रायपुर के कोचिंग के पास क्यों भाई क्या बात है कभी मिलने आओ अकेडमी यार तुम अगर रायपुर के पास क्यों तो मिलने आओ अकेडमी सर मैंने ई बुक ले ली है 2024 का एस हूं लेकिन बुक की वैलिडिटी टी वन ईयर है चिंता मत करो यार मुझे बस बता देना कि सर मैं यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ा हूं वैलिडिटी बढ़ जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है सब हो जाएगा यार सब हो जाएगा ठीक है इसका आंसर नहीं दिया यार किसी बच्चे ने फटाफट आंसर दो यार ऑप्शन ए एक बच्चे का आया अभी अच्छा आप उत्तराखंड के बॉर्डर में हो मेवाड़ की भूमि चित्तौड़गढ़ से प्रणाम भाई आपको भी आपको भी भाई फीस वगैरह यार वो सब आप कॉल करिए मैसेज करिए हमारी टीम को है ना ये फ्री क्लास को फ्री ही रहने दो फीसिस मत पूछो इधर मजे से पढ़ो बस तुम चुपचाप ठीक है इसका आंसर बता दे कोई बच्चा फटाफट क्या आ रहा है ऑप्शन ए बता रहे हैं बच्चे यार बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर है इसका पूछो क्यों और ए कहां से मिल रहा भाई तुम लोगों को यार एटी, एटीन लिखा हुआ है यार यहाँ पे एटीन लिखा हुआ है यार क्या कर रहे हो तुम लोग एटीन लिखा हुआ है आंसर क्या था बताओ याद है ना आप भूल जाते हो कंसेप्ट भूल जाते हो फॉर्मूले भूल जाते हो ये फॉर्मूला है यहां पे रखिए क्या यहां पे रखिए क्या बोलो बच्चों सेवन रखिए सेवन अपॉन एटी वन टेन की पावर एन प्लस वन माइनस नाइन एन माइनस टेन क्योंकि एन टर्म का ही सम करना है तो ये आंसर होगा ऑल राइट तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ये एन है एक्चुअली हाँ ठीक है यही आंसर होगा बट इसमें मिसप्रिंट हो गया ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई इस प्राणी को क्या बोला जाए इस प्राणी जो गलती करते हैं ऐसे प्राणी इनको प्राणियों को बोलते हैं कि ये कंसंट्रेट नहीं करते कंसंट्रेट नहीं करते ऐसे प्राणी ठीक है तो राइट आंसर होगा सेवन बाई ठीक है ऐसे प्राणियों को हम लोग माफ कर देते हैं जो प्राणी इसको पीपीटी बनाते हैं ठीक है हमारे यहाँ से तीन चार प्राणी लगे हैं मिलके ठीक है और वो मिलके तब भी एक भी पीपीटी सही नहीं बना पाते देखो एक प्राणी सामने खड़ा है हमारे क्यों प्राणी तुमने इसको सही से टाइप नहीं कर पाया ये प्राणी से तुम्हें मिलवाएंगे किसी दिन ठीक है इस प्राणी से तुम्हें किसी दिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस प्राणी ने गलती किया है ठीक है बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सी नहीं है बेटा सी में यहाँ पे टेन होना चाहिए था तब होता है ना अगर यहाँ पे टेन होता तो आंसर हो जाता ठीक है

अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पॉइंट के पॉइंट के करते हुए एंड टर्म तक मतलब मान लो क्वेश्चन आ जाए पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री 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 और ऐसा करते हुए मान लो एंड टर्म तक कोई आपसे पूछ रहा है एंड टर्म्स तक का सम करो अब पहले तो मुझे यह बता दो कौन बच्चा बताएगा कि मुझे क्या पूरा सॉल्व करना है या नहीं इसका पूरा प्रूफ करके दिखाऊं या छोड़ दूं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करो जल्दी बोलो इस क्वेश्चन का प्रूफ करके दिखाऊं या शॉर्ट टेक्स जैसा जैसा हो जैसी भी आप लोग की इच्छा हो यार इसका यूएसबी वर्गिंग लिख के आ रहा है बार बार क्या होता है इसका मतलब वो बुक खोल रहा है एक बच्चा तो यूएसबी डी लिख के आ रहा है उसका हाँ ऑफ पीडीएफ खोल रहा है वो अपने बुक की अच्छा। तो पता है तुमको होगी हाँ वो आता है ना कुछ बच्चों का आता था तो नीचे नीचे क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो जाके और सैयद मैं तुमको नंबर दे रहा हूँ है ना तो मेरे मेरे नंबर पे कर लो कॉल है ना मुझे कॉल कर लो मैं भी सॉल्व करा दूंगा आज ही सॉल्व करा दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दे रहा हूँ कुछ बच्चे प्रूफ बोल रहे हैं कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं कुछ बच्चे प्रूफ बोल रहे हैं कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं मैं समझा देता हूँ देखो फटाक से समझाऊंगा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा पर समझा दूंगा एक काम करिए आप बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो अगर मैं इसको देखो पॉइंट थ्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग जल्दी बोलो बच्चों थ्री को कॉमन ले लो सबसे पहले थ्री कॉमन ले लो सेम पॉइंट वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन 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 अब टू एन टर्म्स तक ले लेता हूँ चलो ठीक है ना थ्री बाई नाइन से मल्टीप्लाई करो नाइन से इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट नाइन 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 एन टर्म्स तक जाएगा थ्री बाई नाइन इसको लिख सकते हैं नाइन बाई टेन इसको लिख सकते हैं नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड इसको लिख सकते हैं नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन बाई वन थाउजेंड तीन जीरो आ जाएंगी या सुनो कब तक जाएगा आप तो टू एंड टर्म्स तक जाएगा यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वन माइनस वन बाई टेन डैट मीन्स थ्री बाई नाइन बाहर आ जाएगा अंदर होगा वन माइनस वन बाई टेन प्लस होगा वन माइनस वन बाई टेन का स्क्वायर प्लस होगा वन माइनस वन बाई टेन का क्यूब और ये कहानी बेटा जाएगी कहाँ तक अप टू एंड टर्म्स तक कहाँ तक जाएगी एंड टर्म्स तक जाएगी मतलब इसको ऐसे समझ लो थ्री बाई नाइन ये 1, 1, 1 वन 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 एड होके एन बन जाएगा और ये माइनस कॉमन आ जाएगा अंदर सीरीज बन जाएगी वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर प्लस वन बाई टेन क्यूब एन टर्म्स तक अब आप जानते हो ये जी बन गई एन टर्म्स की जिसका ए क्या है वन बाई टेन और आर क्या है बेटा वन बाई टेन और ये सॉल्व कर लोगे तो ये प्रूफ होके आ जाएगा राइट यहां थ्री लिख के आ जाएगा समझ गए से करोगे तो बस क्या करना है? के की जगह थ्री बाई वन नाइन एन माइनस टेन की पावर माइनस थ्री माइनस वन नोट कर लो फटाफट इज दिस क्लियर एवरी वन फटाफट बताइए डेवलपर yes, ऑप्शन से बंद हो जाएगा बच्चे बता रहे भाई मैं इसको बोला हूं बंद हो जाता है ठीक है तो ये पूरा कंप्लीट प्रूफ हो गया और ये आपका आंसर हो गया ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फटाफट आंसर बताइए फटाफट आंसर बताइए बता इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट चिल्ला चिल्ला के आंसर बताइए बच्चों आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट आंसर बोलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों बोलिए आंसर क्या होगा देखो बच्चों कुछ नहीं करना है कितने टर्म तक करना है एन टर्म तक और एन की के की वैल्यू क्या है फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला था के वाई ए टी वन नाइन एन प्लस टेन की पावर माइनस एन माइनस वन इस इस क्लियर तो वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा 5 बाई एट्टी एन की वैल्यू तो नहीं रहेगी बस के की जगह बदल दो नाइन एन प्लस टेन की पावर माइनस एन माइनस वन सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर बच्चों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे फटाफट आंसर दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा पॉइंट नाइन पॉइंट अप टू टर्म्स बीस टर्म का सम करना है क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में बीस टर्म का सम करना है कम ऑन वेरी फास्ट बीस टर्म का सम करना है जल्दी से उड़ाएंगे इसको जल्दी से उड़ाएंगे फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी से उड़ाएंगे फटाफट आंसर बताएंगे प्राणी ओ प्राणी प्राणी ए प्राणी पानी बोतल लेके नहीं 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 के पॉइंट फाइव नहीं होता बेटा के होगा फाइव जो क्वेश्चन था उसमें के प्लस पॉइंट के, के चल रहा था है ना तो पॉइंट तो हमारा पैटर्न है के के लेना है डिजिट तो डिजिट क्या है, तो है? फाइव वॉट इट क्लियर है बेटा सब्ट्रैक्ट नहीं है बेटा पावर है उसकी टेन की पावर माइनस एन है टेन की पावर में माइनस एन है यही फॉर्मूला है टेन की पावर में माइनस एन है ठीक है ओके 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 गॉट इट गॉट इट सही बात है डी ए आंसर नहीं होगा बहुत सही बहुत सही लिख कुछ रहे हैं बता कुछ रहे हैं और इतने सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं बेटा डी होगा ना दिखता नहीं है क्या तुमको भी तुम लोगों के चक्कर में मैं ए बोल दिया यहां प्लस लगाए क्या नहीं लगाए ना प्लस क्यों ब्रो डी आंसर होगा क्या होगा डी डी आंसर होगा पिछले क्वेश्चन का थैंक यू भाई नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है डी बिल्कुल सही आंसर है साफ साफ दिखा हुआ है ठीक है दिस इज द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर यहां पे माइनस है ये आंसर नहीं होगा यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है हर जगह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती क्वेश्चन में इज दिस क्लियर एवरी वन डी विल बी द राइट आंसर अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पे तो आंसर क्या होगा नाइन बाई एटी वन टेन की पावर माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन इंटू ट्वेंटी माइनस वन सो राइट आंसर होगा नाइन बाई नाइन सॉरी सॉरी वन बाई नाइन टेन की पावर माइनस ट्वेंटी और वन एट्टी में से बन जाएगा बेटा वन सेवेंटी नाइन समझ में आ गया कंसेप्ट क्लियर है फटाफट अप्लाई करो यस और नो हां भाई कह सकते हो यार कह सकते हो कह सकते हो कह सकते हो, कह सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर है सभी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है ठीक है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे मैंने एपी की प्रॉपर्टी बताई थी कि तीन टर्म्स अगर जीपी में तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर करने पे ए सी होगा जनरली मैं बोल दूं अगर ये सब हमारे एपी में है तो इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा क्या पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई तीसरा टर्म लास्ट से उधर क्या बताया था एडिशन लास्ट टर्म का एडिशन और फर्स्ट टर्म का एडिशन का सम इक्वल था फिर स्टार्टिंग से पहला टर्म लास्ट से पहला टर्म स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से दूसरा का एडिशन इक्वल होता था यहाँ पर मल्टीपिकेशन इक्वल होगा कोई भी तीन टर्म्स अगर जीपी में है तो बेटा ए अपन ए तो उन टर्म्स को क्या लेते हैं हम लोग ए अपन आर ए और ए आर स्क्वायर कोई भी चार टर्म्स को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे याद रखिएगा चार टर्म्स को लेना है तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा किसी जीपी में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो जीपी ही रहती है ठीक है अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वो जीपी ही रहती है बच्चों इस बात का ध्यान रखना ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे इसको छोड़ दो तो एक प्रॉपर्टी और लिखो सभी लोग ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें दी नहीं गई देखो देखो नोट करके नोट करके लिख लो सभी लोग इफ ए बी सी आर एन ए पी सॉरी जीपी अगर ए बी सी जीपी में है बेटा तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर एन ए पी अगर ए बी सी जी में है तो उनका लॉग लेने पे किस में आएगा ए में आएगा कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कन्वर्स भी ट्रू है नोट कर लीजिए इस पर प्रॉब्लम करवा दूंगा आप लोगों को कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फटाफट नोट करिए फिर इस एक प्रॉब्लम करा देता हूँ बेटा कन्वर्स इज ट्रू ठीक है एक प्रॉब्लम करा देता हूँ आप लोगों को इस पर और बच्चों मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों को ट्वेंटी टर्म वाला एक क्वेश्चन आई में आया हुआ है देखो मैं दिखाता हूं आई आई में पूछा गया है, एक काफी अच्छा है। आप लोग फटाफट आंसर करिए आई आई टी में पूछा गया क्वेश्चन और कौन से पूछा गया मैं आपको ये भी बता देता हूं ये पूछा गया है 2013 में 2013 में, में पूछा गया है क्वेश्चन है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ प्वाइंट पॉइंट सेवन सेवन पॉइंट सेवन 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 डॉ डॉट डॉट यू हैविंग ऑप्शन सेवन बाई एट्टी वन वन सेवनटी नाइन माइनस टेन की पावर माइनस ट्वेंटी ऑप्शन बी सेवन बाई नाइन नाइन्टी नाइन माइनस टेन की पावर माइनस ट्वेंटी ऑप्शन सी सेवन बाई एट्टी वन वन सेवनटी नाइन प्लस टेन की पावर माइनस ट्वेंटी and the last option seven by nine ninety nine plus ten की पावर माइनस ये अपनी आ, जो हमारी बुक है उसमें एक्सरसाइज पास्ट गैलरी में पास्ट गैलरी अपनी जो बुक है मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज पास्ट गैलरी में क्वेश्चन नंबर एट है ठीक है जिन बच्चों ने बुक लिए वो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारा पास्ट गैलरी का यार एक चीज ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है है ना मैं आज इसको क्लियर कर देता हूं यहां ऑनलाइन में क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि सर मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे देखो क्वेश्चन कितने तरीके के आते हैं बच्चों के जो प्रॉब्लम होती है जेनवन प्रॉब्लम कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने पूरा पढ़ लिया बट मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सॉल्व ठीक है यार पढ़ना किसे कहते हैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ना किसे कहते हैं मैं आप आज को आ, आज आपको कुछ स्टेप बताऊंगा मैं आज आपको कुछ स्टेप बताऊंगा बच्चों इस बात का ध्यान रखना ये स्टेप आपने अगर फॉलो कर लिए तब आपका जाके Uh, कह सकते हो सिलेक्शन होता है ढंग से है ना यार और वो स्टेप्स क्या मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल बता दे रहा हूं आप नोट करिए इन स्टेप्स को नोट कर लो सी पी और टी दिस इज दिस इज द कह सकते हो कि ये एक ऐसा रूल है दिस इज द रूल ऑफ सक्सेस दिस इज द की ऑफ सक्सेस अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर सक्सेस पानी है तो सीपीटी के फॉर्मूले को अपनाओ अब सीपीटी क्या होता है और सुनो मैं इसको और लिखूंगा बड़े बड़े अपनी कॉपी में लिख लो अप्लाई सीपीटी इन ईच चैप्टर अप्लाई सीपीटी इन ईच चैप्टर वन बाई वन वन बाई वन इस चीज को लिख लो बच्चों, अपने रूल वन में लिख लो आज इसको अपने रूल में लिख लो अपने कमरे में चिपका लो बॉल पे अप्लाई सीपीटी इन ईच चैप्टर वन बाई वन एज वेल एज मैथमेटिक्स एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज कंप्यूटर आप हर चैप्टर में सीपीटी के फंडे को लगाइए वॉट इज सीपीटी फंडा तो सी मींस होता है कॉन्सेप्ट पी मीन्स होता है प्रैक्टिस और बच्चों टी मीन्स होता है टेस्ट ये मान के चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए और आपकी जो सक्सेस है उसमें जो सी का रोल है वो है आपका 40 परसेंट पी का जो रोल है वो है आपका 30 परसेंट और 30 परसेंट रोल है आपका टी का और तीनों ही रिलेटेड है अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पकड़ोगे तो बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सॉल्व भी नहीं होंगे आपसे आप आल्टी आप समा लगाओगे आप एक्मे की बुक उठा के बैठोगे मैथ्स लगाने के लिए आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है और मैं आपको बता दूं ये हमने अपनी बुक में कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी दी है खुद की कॉन्सेप्ट दी है आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट समझाई है एक्सप्लेन किया है और उसके बाद उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी दिए हैं तो आप इसको देख सकते हो और जो मैं आपको इस क्लासरूम में पढ़ाऊंगा वो पूरी कंसेप्ट हम अपनी बुक की पढ़ा रहे हैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूं वो चीज़ें आप अपने बुक से देख सकते हो ठीक है स्किप क्यों कर रहा हूं क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता एक घंटे की क्लास में पाँच छः महीने में बट मैं वो सारे पॉइंट कवर करूंगा जिन पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है डायरेक्ट हिट होता है तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको स्ट्रांग होनी चाहिए ये पहली चीज जिससे भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो बुक के पेजों को पलट के कॉन्सेप्ट नहीं बोलते कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझना होता है और जब आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी तब आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कम से कम मिनिमम कुछ ना करते हुए तो दो प्लस क्वेश्चन टू प्लस क्वेश्चन आपके उस चैप्टर के लग जाने चाहिए इसे बोलते प्रैक्टिस और कम से कम यार तीन से चार टेस्ट आप टॉपिक वाइज तीन से चार उस पर टेस्ट दे डालो तब होता है टेस्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट आप इस फंडे को अप्लाई आपका उद्धार हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैं इसकी गारंटी देता हूं एक्ट में मैथमेटिक्स ई बुक आप हमारे एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं एक्मे मैथमेटिक्स ई बुक आप ई e बुक का मतलब मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ फिर से क्लियर करता हूँ ई बुक का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे ही एक्सेस कर पाओगे बट आपने देखा होगा जिन बच्चों ने लिए भयंकर रिस्पॉन्स आया मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही एम का कोई बच्चा बचा होगा जिसने बुक नहीं ली है सारे बच्चों ने बुक ली है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बच्चों ने बच्चों के कहने पे ही मैंने हर पूरे बुक के हर चैप्टर के भी फोल्डर बना दिए हैं उसमें ठीक है उस मतलब आप डायरेक्ट फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो तो आप बुक अगर लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चों क्लियर एवरी वन प्रैक्टिस एंड टेस्ट तो कंसेप्ट करोगे अच्छा तो प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस ढंग से करोगे तो टेस्ट दे पाओगे बच्चे यही गलत कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं जो 40 परसेंट मैटर करता है तो मैं आपका कंसेप्ट भी बिल्ड कराऊंगा प्रैक्टिस भी कराऊंगा और संडे संडे फ्री टेस्ट भी लूंगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे तो और अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीमियम कोर्सेज भी ले सकते हो अगर आप एफोर्ड कर पाओ तो अगर आप नहीं कर पाते हो अफोर्ड तो यार घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता घर वालों ने यार आपको इतना बड़ा कर दिया यही बहुत है यार उनके लिए ठीक है बट हाँ अगर वो हेल्प कर रहे हैं आपकी और आप पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम आप एक्मे अकेडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं चलिए बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया था फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए आंसर करिए कितने बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया फटाफट बोलिए फटाफट फटाफट बोलिए फटाफट यार अनुराग लैपटॉप पे एक्सेस करने का मतलब समझ लो क्या होता है ना कि लैपटॉप पे जब किसी चीज का एक्सेस दिया जाता है तो लैपटॉप पे ब्रेक हो जाता है एक्सेस है ना हालांकि हमारा एक डेस्कटॉप ऐप भी है हम लोग उस पर भी ट्राई कर रहे हैं टेस्टिंग करके कि वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा सिक्योरिटी उसकी अगर वो सिक्योरिटी वर्क करती है तो ऑब्वियसली हम उसको लेके आएंगे साथ ही साथ हम लोग अभी एग्जाम तक उसका सॉल्यूशन रिलीज करने का प्लान चल रहा है वीडियो सॉल्यूशन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है अपडेट्स मिलेगा आप बस जुड़ जाइए आप किसी भी तरीके से एक्टिंग अकेडमी से जुड़े रहिए ठीक है थीके? और हमारे साथ पढ़ते रहिए हमारे गाइडेंस में रहिए डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे ठीक है और कोई भी बच्चा अगर निमसेट की तारीख कर रहा है तो मैं आपको बोलूंगा सी की तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर का 80 आउट ऑफ 80 वाला प्लेलिस्ट गलती से भी मत छोड़ना ठीक है पूरे YouTube पे आप कंटेंट ढूंढ लेना वैसा कंटेंट आपको कंप्यूटर का तो नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि मैथ्स का मैंने भी ज्यादा डाला नहीं है ठीक है कुछ दिन बाद मैं मैथ्स के लिए भी बोल दूंगा आंसर 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 सो सारे बच्चे सी आंसर बोल रहे हैं और क्या सी सही है यस सी सही है सी इसका सही आंसर है यस और नो बहुत ही बढ़िया बच्चों आप लोगों ने बढ़िया सा आंसर दिया यही इसका राइट आंसर है अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे बच्चों फटाफट 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 यहां तक क्लियर है बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे अभी अगला क्वेश्चन लिखिए <coughs> ये लिखिएट में पूछा गया है अब फटाफट आंसर देंगे सभी लोग निमसेट का क्वेश्चन है वैसे मुझे कल कराना चाहिए था बट मैं आज करा दे रहा हूं टू थाउजेंड का क्वेश्चन है बच्चों और ये पूछा गया है टू थाउजेंड थर्टीन में yes no? करिए इसका क्वेश्चन है हमारे पास कि नाइन की पावर वन बाई थ्री प्लस नाइन की पावर वन बाई नाइन प्लस नाइन की पावर वन बाई ट्वेंटी सेवन अप टू इन टर्म्स आइटम्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी नाइन ऑप्शन डी नन ऑफ दीज समय बर्बाद मत करिए मैं आपको बता रहा हूं निमसेट के क्वेश्चन कल मैं पूरी डिटेल में सॉल्व करूंगा सारे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट आंसर करिए स्लाइड की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे मोबाइल ऐप पे हमारे मोबाइल ऐप आप पे आपको ठीक है चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करना है तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है बट ये क्वेश्चन इनफाइनेट जीपी का कैसे क्योंकि आपने एक बचपन में कंसेप्ट पढ़ी होगी कि एक की पावर एम सॉरी ये मिस्टेक होगी मुझसे ये मुझसे मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉरी ये सब मल्टीप्लाई मैम सॉरी ठीक है बेटा ये सब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन ठीक है तो एक कंसेप्ट पढ़ी होगी आपने एक की पावर एम और एक की पावर एन अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है एड हो जाती है तो बच्चों इन सबका बेस क्या है नाइन है सब मल्टीप्लाई में है तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम नाइन की पावर में वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई ट्वेंटी सेवन अपने अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट को देखें और तो हमको ये समझ में आ रहा होगा कि बेटा ये जो पार्ट है वो एक जीपी है या सुनो कौन सी इनफाइनाइट जीपी इसको हमने लेट कर लिया कि पूरा पार्ट के के बराबर है किसके बराबर है के, के तो बच्चों के क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा वन बाई थ्री और ये क्या बन जाएगा ये नाइन की पावर के बन जाएगा ठीक है स्टिल हमें इसका वैल्यू चाहिए और ये के क्या है हमारा वन बाई नाइन प्लस वन बाई ट्वेंटी सेवन अब टू इनफाइनाइट टर्म तो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री आर की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री और टर्म क्या है इनफाइनाइट तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला पड़े हो क्या होता है ए अपन वन माइनस आर तो ए का वैल्यू वन बाई थ्री आर का वैल्यू वन माइनस वन बाई थ्री आंसर आएगा वन बाई थ्री टू बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल वन बाई टू मतलब के का वैल्यू आ गया वन बाई टू तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा नाइन की पावर क्या था के तो क्या हो जाएगा नाइन की पावर वन बाई टू यानी कि आंसर क्या हो जाएगा थ्री ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है नोट कर लीजिए <laughs> कोई संदीप के संदीप के क्वेश्चन का आंसर करे कोई संदीप के क्वेश्चन का आंसर करे फटाफट बच्चों संदीप के क्वेश्चन का आंसर करिए संदीप के क्वेश्चन का आंसर करिए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों समझ आ गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने कहां तक देख लिया था जीपी वाला पार्ट हो गया था हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी जिनका सम दिया है ट्वेंटी सिक्स प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन है बेटा थ्री नंबर्स हमारे जीपी में जिनका सम ट्वेंटी सिक्स प्रोडक्ट 216 है तो जब बेटा प्रोडक्ट दिया जाता है तो टर्म्स को कैसे लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट जब गिवन होता है हमारा अभी कंसेप्ट समझाई तो जीपी के थ्री टर्म्स क्या होंगे जीपी के थ्री टर्म्स क्या लेते हैं हम लोग बच्चों हम लोग लेते हैं ए बाई आर ए और ए आर तो बच्चों इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है प्रोडक्ट गिवन है मतलब ए आर में ए इसकी वैल्यू कितनी है दो तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा ए की पावर थ्री इजक्ल टू दो सौ सोलह तो बेटा ए की पावर वैल्यू कितनी आ जाएगा सिक्स आ जाएगा अच्छा साथ ही कितना है ट्वेंटी सिक्स तो ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर की जो वैल्यू है वो कितना है ट्वेंटी सिक्स अगर यहाँ से बेटा हम ए कॉमन ले लूँ तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास सिक्स है ना ठीक है तो ए कॉमन अगर ले लूँ तो क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स इज दिस क्लियर बच्चों 26 है ना? हाँ तो ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू भी निकाली सिक्स बैठा सिक्स उधर चला जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा यहां से बन जाएगा टू से थर्टीन बाई टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस टू इजक्ल टू थर्टीन आर इसको उधर ट्रांसफर कर दो टू आर स्क्वायर माइनस इलेवन आर प्लस टू इजक्वल टू जीरो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा इज इज क्लियर एवरी नोट कर लीजिए सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट क्लियर है बच्चों यहां तक क्लियर हो गया सभी को आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ ग्यारह टर्म का प्रोडक्ट करो क्या होगा अगर छठवा टर्म क्या है फाइव है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है गिवन क्या है बच्चों हमको

सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पावर इलेवन आएगा कि नहीं आएगा? Is this clear? Is this clear? बेटा कंफर्म तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मार दिया करो क्योंकि कभी भी ऐसा है कि कोई एक टर्म दिया है और प्रोडक्ट कुछ टर्म का पूछा गया है इसका मतलब कंफर्म है, जब, जब है इसका मतलब बेटा ए आर की पावर फाइव गिवन है ना तो अब हमारे पास जो भी हम बता पाएंगे हम क्या बता पाएंगे ए की पावर टू फाइव की पावर टेन की वैल्यू या ए की पावर थ्री फाइव की पावर फिफ्टीन की वैल्यू और कुछ तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है इसका मतलब उसने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट इलेवन का मल्टीप्लाई इसका मतलब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली ए की पावर इलेवन आएगा तो है बेटा आर की पावर भी फिफ्टी फाइव ही आएगा आप काउंट करना तो वन से लेकर टेन तक का समझानते हो आप लोग कैसे निकलता है नेचुरल नंबर का सम पढ़े हो गए आप लोग एन एन प्लस वन बाई टू कितना आया 55 तो आपको अगली बार से ऐसा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है आप देखिए क्या अच्छा, चाहिए फाइव दिया कितने टर्म का पूछा 11 का तो आंसर होगा फाइव की पावर 11 खत्म ऐसा ट्रिक बना लो ऐसा शॉर्ट ट्रिक बना लो ऐसा क्वेश्चन फटाक से उड़ जाता है और बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है ये क्या हो गया बेटा 13/2 हो रहा है क्या अच्छा हमने क्या कर दिया था कुछ मिस्टेक कर दी थर्टीन बाई थ्री हो रहा था क्या कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था देख लेना बेटा मल्टीप्लाई करके ठीक है हो सकता है मिस्टेक हो गई होगी कुछ हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, हो, हो आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको है ना ओके नो no प्रॉब्लम बेटा हाँ ट्वेंटी सिक्स बाई सिक्स था मैं ट्वेंटी सिक्स बाई टू कर गया था सॉरी ठीक है ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे बेटा यहाँ पे सॉल्व जब हम लोगों ने किया था आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन अपॉन आर इधर क्या था बेटा वन ट्वेंटी सिक्स अपौन में क्या था सिक्स आएगा ऐसे एक्चुअली ए यहाँ जाएगा तो सिक्स आएगा है ना सो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन अपॉन आर और यहाँ हो जाएगा बेटा कितना टू से जब कट करेंगे सॉरी ट्वेंटी सिक्स था ना टू से जब कट करेंगे ना बेटा तो ये हो जाएगा हमारा कितना थर्टीन बाय सॉरी थर्टीन बाय थ्री ये सुनो सो इट इज थ्री आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस थ्री टू थर्टीन आर है ना सो थ्री आर स्क्वायर माइनस टेन आर प्लस थ्री टू जीरो थ्री आर स्क्वायर माइनस नाइन आर माइनस आर प्लस थ्री इज्कवल टू जीरो हो गई थी थोड़ी सी ना थ्री आर कॉमन ले लो आर माइनस थ्री माइनस वन कॉमन ले लो आर माइनस थ्री तो आर की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी बच्चों वन बाई थ्री और वन बाई थ्री और थ्री आपका आंसर हो जाएगा आपसे पूछा क्या, क्या गया द थ्री टर्म्स पहला टर्म क्या हो जाएगा पहला टर्म एन A, आर A था दूसरा टर्म ए था तीसरा टर्म ए आर था तो एक ही वैल्यू क्या आई थी बच्चों सिक्स आई थी तो ये सिक्स हो जाएगा एक सिक्स बाई थ्री हो जाएगा और एक सिक्स थ्री हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा टू सिक्स और एटीन सॉरी वन बाई थ्री रखेंगे तो एक कोई भी रख लो आप थ्री रख लो या वन बाई थ्री रख लो थ्री रख लेते मान लो थ्री रखेंगे तो सिक्स इंटू थ्री सही है टू सिक्स और एटीन यस टू सिक्स और एटीन बिल भी दाइट तो आंसर समझ आ गई बच्चों बात चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको कि जो भी आपको दिया जाए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पांचवा टर्म छठवा टर्म फाइव है तो 11 तो टर्म का प्रोडक्ट की पावर याद रखना आगे से ठीक है इस तरीके का प्रॉब्लम याद रखिएगा ज्योमेटिकल मीन आप सभी लोग जानते हैं बच्चों ज्योमेटिकल मीन क्या होता है तो ज्यूमेटिकल मीन का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में दो नंबर दिया है ए और एक नंबर दिया बी एक नंबर जी इंसर्ट करूं इस तरीके से कि ये जीपी बन जाए तो इस जी को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मीन तो बच्चों जीएम ऑफ टू नंबर क्या होता है जीएम ऑफ टू नंबर क्या होता है जल्दी बोलो जीएम ऑफ टू नंबर क्या होगा होगा ए बी की पावर वन बाई टू लिख लेना बच्चों है ना और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जल्दी बताओ मुझे ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डोट डॉट ए एन क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना बेटा सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जल्दी से आंसर देना है सभी को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जल्दी से आंसर देना है सभी को और वो क्वेश्चन ये है कि इफ की पावर याद होगा आपको मैंने पिछली बार भी करा था A की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में A की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज जी एम ऑफ ए एंड बी वैल्यू ऑफ एन फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग वैल्यू ऑफ एन क्या होगी ऑप्शन दिए हैं वन वन बाई टू माइनस वन बाई टू और ऑप्शन डी में आपके पास वन ऑफ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है फटाफट फड़ सॉल्व करिए

प्लस बी की पावर वन बाई टू होल अपॉन में क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस वन बाई टू प्लस बी की पावर माइनस वन बाई टू क्या लिख सकते हैं इसको ए की पावर वन बाई टू प्लस में बी की पावर वन बाई टू होल अपॉन में इसको क्या बोलेंगे बेटा वन अपॉन ए की पावर वन बाई टू प्लस में वन अपॉन बी की पावर वन बाई टू एल्सियम लेंगे तो वन अपॉन वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू होल अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू एल सी एम आ जाएगा यहाँ पे एक की पावर वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू यह कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू जिसको बोलेंगे ए बी की पावर वन बाई टू मतलब बच्चों याद रख लीजिएगा अगर ये ए एम होता तो कल मैंने कराया था आंसर किया वन वन पे एम हो जाता है याद है ना बट यहां पे पूछा है जी एम तो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा बी जी एम में आंसर क्या हो जाएगा बी इज दिस क्लियर एवरी वन सो बी इज द राइट आंसर Is this clear everyone? Reply fast. B is the right answer of this question. B is the right answer of this question. Is this clear everyone? Chaliye, moving on the next question. ये question solve करेंगे सभी लोग फटा फट solve करिए. तो बच्चों में एक चीज़ बता दूँ आपको जब भी हम लोग insertion करेंगे डाल लीजिए नोट करके लिख लीजिए इस कंसेप्ट को इंसर्सन ऑफ एन जी एम्स बिटवीन ए एंड बी अगर ए और बी के बीच में मुझे एन जीएम इंसर्ट करना है बेटा एक ए है एक बी है मुझे पहला जी वन इंसर्ट करना है जी टू इंसर्ट करना है ऐसी जी एन तक इंसर्ट करना है सपोज ठीक है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है ये तो पता होगा आपको तो एक जीपी बन जाएगी तो यहां से जो बेटा लास्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर की पावर एन प्लस वन और इसकी वैल्यू क्या है B. तो B2 क्या हो जाएगा कैपिटल की की पावर मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन तो इस बात को ध्यान रखना कि जो आर मिलता है वो ऐसे मिलता है ठीक है इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों आर की जो वैल्यू होती है कॉमन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन होता है और एपी में क्या बताया था याद है ना आप लोगों को एपी का याद होगा ठीक है डी की वैल्यू तो हमें फोर और टू फिफ्टी सिक्स ए की वैल्यू क्या है फोर और बी की वैल्यू क्या है टू फिफ्टी सिक्स इसके बीच में कितने जी एम स्टर्ट करने पाँच ए जी वन जी टू जी थ्री जी फोर और जी फाइव तो बच्चों हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है फाइव तो आर की वैल्यू बता दो बस आर की वैल्यू मिल जाएगी तो आप सॉल्व कर लोगे आर की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन सिक्स क्यों एन की वैल्यू फाइव है एन प्लस वन होता है तो बेटा टू फिफ्टी सिक्स अपॉन में फोर की पावर वन बाई सिक्स कट करते हैं सिक्स आएगा फोर आएगा वन बाई सिक्स इसको क्या बोलते हैं टू की पावर सिक्स ही तो बोलते हैं बेटा वन बाई सिक्स कैंसिल आउट टू आ गया आर की वैल्यू टू आ गया मतलब जो पांच जी एम होंगे वो कौन कौन से होंगे एक फोर में टू का मल्टीप्लाई एट पहला होगा इसे जी वन कहेंगे फिर टू का मल्टीप्लाई सिक्सटीन जी टू कहेंगे फिर टू का मल्टीप्लाई थर्टी टू जी थ्री कहेंगे और फिर टू का मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर फोर कहेंगे फिर टू का मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी एट जी फाइव कहेंगे और फिर आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स तो दिस इज योर राइट आंसर कौन कौन से जी एम होंगे आठ सोलह बत्तीस चौसठ जाइए बच्चों क्लियर है एक बार फटाफट बताइए मजा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है फटाफट बता बजाइए बताओ बताइए बच्चों और इसको जल्दी से अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार बिल्कुल देरी मत लगाओ बिल्कुल देरी मत लगाओ चैनल को सब्सक्राइब करने में शेयर करने में भी देरी मत लगाया करो है ना चलिए क्लियर है बात यहां तक क्लियर सबको समझ आ गया एकदम मस्त मजेदार समझ आया जो मेडिकल प्रोग्रेशन मजेदार समझ में आया यार मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं डेमो, एक 2019 का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं 2022 का क्वेश्चन कराना चाहूं निमसेट का यार इतना मस्त क्वेश्चन आया निमसेट में कि क्या ही बोला जाए ठीक है तो बच्चों लिख लीजिए क्वेश्चन निम सेट में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों निम सेट में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी 2022 में इसी साल पूछा गया था मैं क्वेश्चन ना लिख पाऊं आप आंसर लगा देना अगर आपने ढंग से समझा है कंसेप्ट अगर कंसेप्ट ढंग से समझा है तो क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर बता देना द फोर बिटवीन टू एंड सिक्सटी फोर आर ऑप्शन ए वन बाई फोर वन बाई एट वन बाई सिक्सटीन वन बाई थर्टी टू ऑप्शन बी फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू ऑप्शन सी फोर रूट टू एट सिक्स टू ऑप्शन डी नन ऑफ एव नन ऑफ दीज वॉट इज द आंसर सो बच्चों व्हाट इज द आंसर अगर हम लोग नॉर्मल भी सोचें कि ऐसे कौन से नंबर होंगे जो इन दोनों के बीच में इंसर्ट करते ही जीपी फॉर्म कर ले तो बेटा ये तो कभी ना होगा टू टू जाोर टू 8, टू जा सिक्सटीन थर्टी टू खत्म क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन टिक 2022 का क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 का क्वेश्चन है और निमसेड में पूछा गया है बच्चों, यस नो और अगर मुझे इसे मेथड से करना है तो बच्चों आप जान होंगे कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी बी अपॉन ए की पावर में वन अपॉन एन प्लस वन लगाओ जल्दी बोलो आर इजक्वल टू बी की वैल्यू सिक्सटी फोर ए की वैल्यू टू वन अपॉन एन की वैल्यू फोर इंसर्ट करना है फोर तो बच्चों एन की वैल्यू फोर हो जाएगी तो यार बत्तीस की पावर एक बटे पांच यानी कि दो आ जाएगा कन्फर्म है दो से मल्टीप्लाई मारेंगे फोर फिर मल्टीप्लाई एट फिर मल्टीप्लाई सोलह फिर मल्टीप्लाई बत्तीस चारों जी एम हमारे पास आ गए समझ में आ गई बात जोमेटिकल मीन क्लियर हो गया समझ आ गया सभी को फटाफट बोलिए क्लियर है कि नहीं है फटाफट बोलिए तो निमसेट दो हज़ार का क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है कल हम लोग पूरी पास्ट गैलरी लेके आ रहे हैं ठीक है अब आप सोच रहे हो सर पूरी पास्ट गैलरी ला रहे हो तो आज मुझे 15 बीस मिनट और एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी बट मैं इसको पहले फिनिश करूंगा ठीक है वरना मेरा स्केड्यूल गड़बड़ हो जाएगा फिर आप लोग बोलोगे सर सिलेबस ही खत्म नहीं किए आप, आप तो फ्री पढ़ा रहे थे देखो फ्री भी पढ़ाओ और फिर बाद में ताने भी सुनो है ना तो मैं वो काम नहीं करूंगा ठीक है मैं भले ही पंद्रह बीस मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लूंगा बट मैं वो ताने बाद में नहीं सुनूंगा कि सर आपने तो पूरा सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाया आपने तो बस नब्बे परसेंट मैथ सिलेबस कवर किया है और आप तो बोल रहे थे पूरा करेंगे पूरा करेंगे ये तो धोखा किया आपने सर धोखा किया ठीक है तो ऐसा धोखा क्यों करें हम हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे भाई एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे थोड़ा सा पांच दस मिनट फटाफट 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 फट 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 आज इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे बेटा चलिए सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दूं कभी भी मत डरना एपी के रिवर्स कर दो एपी को रिवर्स कर दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है मतलब अगर कुछ टर्म्स एपी में है तो उनको पलटने पे वो क्या बन जाता है एचपी बन जाता है पहली चीज मैंने लिखा हुआ है इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लीजिएगा ठीक है बेटा एपी के टर्म्स को बदल देंगे तो हार्मोनिक मीन बन जा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा अब आप थोड़ा सा इसको और समझिए बेटा <coughs> थोड़ा सा इसको समझिए बच्चों मान लो हमारा पहला टर्म है टी वन दूसरा टर्म है टी टू तीसरा टर्म है टी थ्री चौथा टर्म है टी फोर और मुझे एनवर टर्म निकालना है किसका एच पी का तो क्या होगा बेटा वन अपॉन टी वन कर दो वन अपॉइन टी टू कर दो वन अपॉइंट टी थ्री कर दो और डॉट 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 वन अपॉइन टी एन कर दो मतलब ए पी का जो एनवर टर्म होगा उसे वन अपॉन कर दो तो आपको समझ में आ रहा होगा एपी का टर्म को वन अपन कर दो मतलब टी एन हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी परेशान मत होइएगा ऐसे बना लीजिएगा ठीक है तो ए पी में कंसेप्ट ये, ये याद रखो अगर तीन टर्म्स हमारे ए पी में होते हैं तो ये कंसेप्ट होता है जी पी के लिए ये होता है और एचपी के लिए क्या होता है टू ए सी अपॉन ए प्लस सी टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है तो आपको समझ आ गई होगी बच्चों बात कि अगर हमारे तीन टर्म्स किस में है लो बेटा एफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर एन ए पी तो बच्चों वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री डॉट डोट डॉट वन अपॉन ए एन आर एन एच पी ठीक है समझ गए जैसे एग्जांपल मैं आपसे दूं थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ये किसमें हमारे ए पी में तो बच्चों वन बाई थ्री वन बाई फाइव वन बाई सेवन वन बाई नाइन वन बाई एलेवन किसमें होंगे एच पी में इस क्लियर अब मैं आपसे कहूं कि इफ ऐसा मैं दे दूं आपको क्वेश्चन दे दूं एक छोटा सा फाइंड टेंथ टर्म या मैं कह दूं इलेवेंथ टर्म चलो इलेवेंथ टर्म ऑफ एच पी और एच पी दिया है मैं वन बाई वन बाई फाइव वन बाई नाइन वन बाई थर्टीन वन बाई सेवेंटीन अप टू मैं पूछ रहा हूं इसका एलेवेंथ टर्म क्या है तो बच्चों हमेशा एक नोट करके लिख लो एक नोट करके लिख लो इन एचपी क्वेश्चन इन एचपी क्वेश्चन रिवर्स सीरीज एंड सॉल्व एज एचपी सॉल्व एज एपी आप एचपी का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे एपी से ही सॉल्व करो रिवर्स कर दो और एपी से सॉल्व करो ये किस में है बेटा एचपी में है ना ये एचपी का दिया है वन बाई फाइव वन बाई नाइन वन वाई थर्टीन वन वाई सेवेंटीन किस में एचपी में है उसका कौन सा टर्म निकालना ग्यारह मा पलट दो <coughs> ये किसमें हो जाएगा एपी में ये किस्म जाएगा बेटा एपी में अब <coughs> क्या करिए आप एस एपी का ए क्या है डी क्या है फोर. तो बेटा क्या निकालना कितना फोर्टी फाइव हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो ए फाइव है डी तो इलेवन टर्म हमारा क्या हो जाएगा फोर्टी तो फाइव एपी का इलेवन टर्म क्या फोर्टी फाइव तो बेटा एचपी का इलेवन टर्म क्या होगा इलेवन टर्म of एच पी क्या हो जाएगा वन बाई फोर्टी फाइव सो राइट आंसर इज वन बाई फोर्टी फाइव तो एच पी में जो भी काम करना है वो एपी से कर लो ये बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एपी का सारा काम आप एच पी से कर लो ये बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ साथ ही साथ बच्चों एक बात का और विशेष ध्यान रखना क्या कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एच पी कैन नॉट पॉसिबल लिख लो देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एच पी लिख लो नोट करके लिख लो एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी अगर पूछा जाए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो एचपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों नहीं बनते इस बात का ध्यान रखिए <laughs> क्या हो गया बेटा इनको ब्लॉक कर देते हैं तो चिंता मत करो इनको ब्लॉक किया जाए कौन है भाई डेटिंग ऐप चला आ रहे हैं लोग हाइड कर दो इसको यूजर को यहां से क्या होता है कि जब कभी भी कहीं पे भी कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो कुछ सी टाइप के लोग आके ये सब करते हैं ऑलराइट? आगे बढ़ते हैं सो so, बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ऑलराइट? ओ भाई साहब ये क्या हो गया यार <coughs> चलिए तो हार्मोनिक मीन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या कह रहे टर्म सिक्स टर्म है ट्वेल्वीन टर्म थर्टी है तो टर्म क्या होगा एचपी में एचपी का सिक्स टर्म देखो याद बच्चों तो यार एपी में बदल दो एपी का सिक्स टर्म क्या हो जाएगा वन बाई जाएगा और एपी का सिक्सटीन टर्म क्या हो जाएगा वन बाई थर्टी सिक्स हो जाएगा इज दिस क्लियर यार आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप जानते हो इसका मतलब क्या ए प्लस फाइव डी की वैल्यू और इसका मतलब क्या हो जाएगा A plus 15D की वैल्यू बेटा माइनस मार दो ये माइनस का 10D, क्या हो जाएगा थर्टी थर्टी सिक्स ये थ्री होगा ये माइनस वन होगा सही है ना इज दिस क्लियर एवरी वन ही तो किया मैंने हाँ सही है बिल्कुल सही है क्लियर है बच्चों कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को यहाँ पे बोलिए कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मुझे मुझे कुछ तो मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में है या 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 लेट मी चेक क्वेश्चन तो सही है आई थिंक सिक्सटीन तो थर्टी सिक्स है ओके डी की बोलू नेगेटिव क्यों आ रही मेरी यार मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की थर्टी सिक्स एल्सियम लिया थ्री माइनस वन ऑल ठीक है जो होगा सो होगा ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है चलो कोई बात नहीं यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालेंगे बेटा क्या आएगी 2 36 into minus 10. या नेगेटिव में कैसे आ रहा रहा है है और ये increase हो रहा है। देख लेना बेटा इसको है ना तो आप डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कहीं तो मिस्टेक हो रही है क्या दिया है सिक्सटीन टम बाई थर्टी हो जाएगा ए प्लस फाइव डील्व फिफ्टीन डीवल टू वन बाई थर्टी सिक्स माइनस माइनस से कैंसिल सेन डी टू वन टाइनस वन ऑल राइट नो प्रॉब्लम सबसे ही है ठीक कैंसिल हो जाएगा तो डी का वैल्यू आएगा अपॉन अपॉन माइनस का सिक्स ठीक है डी का वैल्यू आ गया हमारे पास तो आप कंफर्म है हम लोग क्या निकाल पाएंगे टी टेन निकाल पाएंगे कैसे ए प्लस नाइन डी से इसको सॉल्व कर लोगे और रिवर्स करने पर आपको मिल जाएगा एच पी का टर्म तो एचपी का कोई भी काम होगा आप जीपी एपी से ही करेंगे <coughs> हाँ एपी <AP> डिक्रीजिंग <is> <coughs> सही बोल रहा हो मुझे भी वही लग रहा है डिक्रीजिंग हो रही है ठीक है सही यार यारन अपन ले गया ट्वेल्व थर्टी सिक्स ले गया डिक्रीजिंग है ना वन बाई ट्वेल्व से वन थर्ट बाई थर्टी सिक्स डिक्रीज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं चलिए क्लियर बच्चों समझ आया बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम था समझ आ गया होगा कैसे करेंगे अब टाइम आ गया है आपका ए का तो बच्चों एजीपी को फटाफट 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 -फट, फटा -फट, फटा एजीपी के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको हाँ, के बारे में में मैं मैं कुछ बता बता दूं दूं आपको आपको ठीक है यार एक चीज बच्चों का मतलब होता है अर्थमेटिकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपकी जो सीरीज होगी उसमें पहला टर्म होता है दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी इन टू में आर मतलब पहला टर्म ये था उसके बाद हमने उसमें कुछ इंक्रीमेंट भी किया और कुछ मल्टीप्लाई भी किया पूरे टर्म में राइट फिर इंक्रीमेंट वही करेंगे ए प्लस टू डी हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों अगर ये पहला टर्म है हमारा ये दूसरा टर्म है हमारा ये तीसरा टर्म है हमारा तो कोई बच्चा मुझे एनबा टर्म बताएगा क्या होगा ऑब्वियसली ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और पूरे की पावर आर की पावर एन माइनस वन तो फटाफट नोट कर लीजिए दिस इज योर 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 ओ हो हो दिस इज योर एजीपी राइट अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एन एथम क्या होगा इसका तो आंसर होगा ए प्लस एन माइनस वन इन डी की पावर इन टू में आर की पावर एन माइनस वन राइट अब मैं पूछूं बेटा आपसे सम ऑफ एन टर्म्स यार ये चीज याद रखना ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है आप इसको याद रखना इसकी टेक्निक भी है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा ठीक है टेक्निक को मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा अभी एन टर्म का फॉर्मूला बता देता हूं ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी इन टू आर वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन होल अपॉन वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन होल अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ए प्लस एन माइनस वन टू डी आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर <coughs> की पावर एन अपॉन वन माइनस आर सॉरी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर और ये कब होगा जब आर की वैल्यू वन नहीं होगी अगर आर की वैल्यू बन नहीं है बेटा तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टर्म्स याद रखना बड़ा फॉर्मूला है थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना बट कभी भी क्वेश्चन आए एन टर्म्स का तो आप सीधा इसको मारना समय नहीं होता है आपके पास सेट में ठीक है तो आप सीधा इस फॉर्मूले को मारना आपका आंसर आ जाएगा बट यहीं पर अगर पूछे बेटा सम ऑफ इन फाइनाइट टर्म तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं बच्चों अगर आपसे पूछे सम ऑफ इन फाइनाइट टर्म्स तो बच्चों आंसर होगा एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होगा ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी इन टू आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब इस फॉर्मूले का कुछ पार्ट ये पूरा टर्म और इस टर्म का इतना पार्ट क्लियर है तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे ये दोनों फार्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं असाइनमेंट की पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप में असाइनमेंट की पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप में टेलीग्राम पे दोनों जगह तो अगर किसी बच्चे ने ऐप में ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप में ज्वाइन कर लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा फटाफट रिप्लाई करिए एक बार लाइक तो बनता है और जल्दी से प्यारा वाला हर्ट भेजिए एक प्यारा वाला हर्ट भेजिए अपने कार्तिक सर को फटाफट प्यारा वाला हर्ट भेजिए अपने कार्तिक सर को इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन शन तो फटाफट एक प्यारा वाला हर हर्ट भेजिए और दिखाइए अपना जज्बा कि आपको कितना मजेदार लग रहा है ये सेशन जल्दी बताइए बच्चों समझ में आ गया ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप लोगों को Yes, यहीं पे नोट्स बनाइए यार इसी से नोट्स बनाइए मैं सबको तो लिखवा रहा हूं यह सब नोट्स बनाइए आप प्रॉपर चलिए 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 बहुत बढ़िया काफी अर्ष आ रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने मुझे इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ध्यान से देखिए अगर मैं सीरीज को देखूं तो वन है फिर थ्री इन टू में वन बाई फाइव है प्लस फाइव इन टू में वन बाई फाइव का स्क्वायर है प्लस सेवन इन टू में वन बाई फाइव का क्यूब है प्लस अप टू इन टर्म्स अगर ध्यान से देखो बच्चों तो इस सीरीज में ये ऐड हुआ थ्री फाइव सेवन ये एपी चल रहा है और ये हमारा जीपी चल रहा है वन बाई फाइव का मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई मतलब एपी तो चल ही रहा है जीपी भी चल रहा है एपी तो चल ही रहा है जीपी भी चल रहा है तो पहला टर्म क्या है वन है बहुत बढ़िया इंडिविजुअल होना चाहिए वन है आर का वैल्यू क्या है बच्चों वन बाई फाइव है डी का वैल्यू क्या है बच्चों टू है वन थ्री फाइव ऐसा टू है ना डी तो आंसर क्या होगा टर्म का जल्दी बोलो ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी इन आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर सो आंसर हो जाएगा बच्चों वन अपॉन वन माइनस वन बाई फाइव प्लस डी का मतलब टू इंटू वन बाई फाइव अपॉन में वन माइनस वन बाई फाइव का स्क्वायर सो राइट आंसर इज ये हमारा फोर बनेगा तो फाइव बाई फोर हो जाएगा यहां से बेटा देखेंगे तो टू बाई फाइव है और यहां पे देखेंगे तो ये सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा कैंसिल करोगे तो फाइव बाई फोर प्लस में ये ऊपर पहुंचेगा फाइव से फाइव टाइम कैंसिल होगा टेन बनेगा ये एट टाइम कैंसिल होगा तो फाइव बाई एट ठीक है एलसीएम आएगा एट फोर टू जो टेन फिफ्टीन फिफ्टीन बाई एट बिल बी द राइट आंसर नोट कर लीजिए फिफ्टीन बाई एट दिल बी द राइट आंसर आई होप आपको क्लियर होगा सबको समझ आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन किया मैंने ये कैलकुलेशन यहां से आप कर लीजिएगा जो भी है ठीक है ये कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं जो भी होगी आपकी क्लियर है बच्चों समझ आ गया रिप्लाई करिए फटाफट 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 बेटा साफ साफ एजीपी में दिख रहा है आपको दिख नहीं रहा बेटा देखो मैंने दिखाया आपको जो दूसरा टर्म होगा उसमें आपका कुछ ऐड होके भी आएगा और कुछ मल्टीप्लाई होके भी आएगा देखो एपी भी बना जीपी भी बना मैं आपको साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया बेटा क्लियर है ना गौरव अग्रवाल क्लियर हुआ बेटा गौरव अग्रवाल क्लियर हुआ <coughs> आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है ये ट्वेल्व नहीं है वन का स्क्वायर है बेटा ठीक है ये ट्वेल्व नहीं है ये वन का स्क्वायर है, है ये दिस इज द वन का स्क्वायर दिस इज वन स्क्वायर तो पहला टर्म है वन स्क्वायर फिर दूसरा टर्म है टू का स्क्वायर एक्स फिर है बेटा 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर है हमारे पास फोर का स्क्वायर एक्स क्यूब और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी करिए ट्राई करिए तो बच्चों जब हमें कोई ऐसी सीरीज मिले जिसमें मुझे ए जी पी डायरेक्ट ना दिखे देखो उसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं आप ये बताइए आपको क्या आर क्या दिख रहा है तो आर मुझे दिख रहा है एक्स का मल्टीप्लाई होते हुए तो आप आर से करिए मल्टीप्लाई मतलब एक्स से करिए मल्टीप्लाई तो और इस, इस टर्म में जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इसके नीचे लिखोगे क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर एक्स इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें करोगे क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर एक्स क्यूब और ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट टर्म्स आएगा अब आप इसे करिए सब्ट्रैक्ट ये तरीका होता है इसको मैं कल क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा अभी जिन बच्चों को समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो आप नोट कर लीजिएगा कल आपको हंड्रेड परसेंट मेथड समझ में आ जाएगा ठीक है तो बच्चों कुछ ऐसी क्लियर क्या सीरीज बन गई वन माइनस एक्स टाइम एस इज इक्वल टू वन टू का स्क्वायर फोर होता है फोर में से बन गया थ्री एक्स थ्री का स्क्वायर नाइन होता है नाइन में से फोर गया थ्री का स्क्वायर नाइन होता है नाइन में से फोर गया फाइव एक्स स्क्वायर सिक्सटीन में से नाइन गया सेवन एक्स क्यू एक चीज़ बताइए वो सीरीज तो मुझे ए जी पी में नहीं दिख रही थी बट क्या ये सीरीज ए जी पी में दिख रही है बिल्कुल दिख रही है ए वन थ्री फाइव सेवन और देखो वन का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स 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 तो ये मुझे इनफाइनाइट दिख रही है बेटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एस इज उक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा ए का वैल्यू क्या है वन डी का वैल्यू क्या है टू आर का वैल्यू क्या है एक्स फॉर्मूला क्या होता है याद है ना ये एस है बच्चों मारे, ये एस 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 दिस इज राइट इस सीरीज को हमने मान लिया था ना S. क्या होता है ए अपॉन माइनस आर तो वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस डी डी मतलब टू आर मतलब एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स का होल स्क् वन माइनस एक्स को भी इधर भेज दो तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की पावर क्यूब तो बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है नोट कर लीजिए मजेदार क्वेश्चन है ठीक है बच्चों जिसको जिसको ओवर लग रहा है ज्यादा उनको लग रहा है कि आज ज्यादा हो गया आज के सेशन में बस पांच दस मिनट और लूंगा जिसको लग रहा है आज का सेशन ज्यादा हो गया तो वो लोग मिले कब बोलो रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग है ना मैं इसको खत्म करूंगा क्योंकि मुझे कल यार प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है पास गर्लरी के ठीक है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं देगा आपको समझ आगे होगी बातें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास एक दो ठीक है एंड हो गया बस ठीक है एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लो यार बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रेक है इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या बेटा वन अपॉन ए वन एट बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म का आंसर हो तो आंसर होता है वन अपॉन ए वन बी वन माइनस सेवन याद रखना वन अपॉन ए वन बी वन माइनस एवन यहाँ पे याद रखना ये सब हमारे फर्स्ट ए पी के टर्म्स होने चाहिए पहला वाला ए पी होना चाहिए और दूसरे वाले टर्म भी ए पी में होने चाहिए मतलब एपी में होने चाहिए याद रखना टर्म्स किस में होने चाहिए एपी में तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कर देते हैं अपॉन ठीक है बच्चों चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट 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 और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा तो बेटा आपको दिख रहा है वन इंटू टू प्लस वन पॉइंट टू इंटू थ्री प्लस वन थ्री इंटू फोर फटाफट कंसेप्ट अप्लाई करिए सभी लोग फटाफट कंसेप्ट अप्लाई करिए बच्चों सभी लोग फटाफट -फड़ कंसेप्ट अप्लाई करिए तो अगर मैं देखूं तो इसको ए बोलूंगा इज दिस क्लियर इसको ए वन बोलूंगा नहीं बोलूंगा ए वन इसको बी वन इसको ए टू इसको बी टू क्लियर है इसको ए थ्री और इसको बी थ्री तो ऐसा सीरीज चल रहा है इनफाइनाइट टर्म का तो आंसर क्या होता है जल्दी बोलो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला वन अपॉन ए वन और बी वन माइनस ए वन राइट फॉर्मूला क्या बताया था वन अपॉन ए वन तो वन अपॉन ए वन की वैल्यू क्या है वन बी वन की वैल्यू क्या है टू माइनस वन आंसर क्या आएगा वन अपॉन वन माइनस वन यानी कि वन अपॉन वन आंसर क्या जाएगा वन इज दिस क्लियर सभी को समझ आ गया बच्चों फटाफट अप्लाई करिए सभी को क्लियर है बेटा फटाफट 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 अप्लाई कर दीजिए एक बार तो बच्चों इस तरीके से हमारे एजीपी के क्वेश्चंस बनेंगे आप इनको जरूर ट्राई करिएगा इस पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट हम आपको देंगे उन असाइनमेंट्स में आपको जो डाउट आए वो डाउट जरूर पूछिएगा ठीक है और कल हम लोग लेके आएंगे पास्ट गैलरीज को निमसेट के क्वेश्चंस को बेसिस ऑफ दीज क्लासेस ठीक है बच्चों बेसिस ऑफ दीज क्लासेस कल हम लोग निमसेट के क्वेश्चंस लेके आएंगे एक रिलेशन जरूर नोट कर लेना कि जो ए होता है वो जीएम से बड़ा होता है और जीएम जो होता है वो एच से बड़ा होता है साथ ही साथ एक रिलेशन और याद कर लेना कि ए एम जो होता है और जी जो होता है और एम जो होता है एच पी एच एम जो होता है एच ये तीनों मिलके जी पी बनाते हैं मतलब जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इन टू एच एम इस कंसेप्ट को भी नोट करके रख लीजिएगा आज के लिए इतने बच्चों कल मिलेंगे हम लोग एक फिर से एक नई एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम लोग बच्चों कल हम लोग बहुत सारे निमसेट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपको बहुत मजा आने वाली है कल की क्लास में एक क्वेश्चन में असाइनमेंट में देना चाहूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कल ये क्वेश्चन आई में आया हुआ है बच्चों आई का क्वेश्चन है टू का क्वेश्चन है क्वेश्चन है टू की पावर वन बाई फोर इन टू फोर की पावर वन बाई एट इन टू एट की पावर वन बाई सिक्सटीन वैल्यू बतानी है आपको और ऑप्शन बी है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा आज आज की क्लास के बाद जब ये लाइव सेशन एंड हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करिएगा मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निमसेट के लिए तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्लियर है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इस तरीके से हमारा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीटली खत्म हो गया है जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने सारे क्लियर किए कल हम आपको मिलेंगे पास्ट गैलरीज के साथ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ वहां पे अगर कोई कंसेप्ट हमारी मिस भी हो गई होगी यहाँ पे तो वहां पे मैं वो नोट और वो कंसेप्ट आपको बता दूंगा आपका कंप्लीट नोट सीक्वेंस सीरीज का प्रिपेयर हो जाएगा दो से तीन क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के हर साल निमसेट में पूछे जाते हैं और आप ये मान लीजिए कि आउट ऑफ वन थाउजेंड चौबीस से लेकर छत्तीस नंबर तक ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स मार्क्स यू कैन स्कोर फ्रॉम सिक्वेंस एंड सीरीज तो बच्चों अगर स्टार बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो स्टार बैच रात को दस बजे मैं लाइव आता हूँ और आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ इसके लिए आपको एक्मे अकेडमी का क्या क्या मिलेगा अच्छा कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा फ्री असाइनमेंट्स मिलेंगे फ्री टेस्ट मिलेंगे और फ्री डिस्कशन मिलेगा टारगेट जिन बच्चों का ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है एक्मे अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है बैच पे जाना है प्लस आइकन पे क्लिक करना और कोड डालना है एक्मे स्टार बैच साथ ही साथ जो बच्चे प्रीमियम कोर्स अगर लेना चाहते हैं का तो हमारा अर्जुना 2.0 पॉइंट आ रहा है अभी इस पर ऑफलाइन में 10,000 का डिस्काउंट और ऑनलाइन में 7,000 का डिस्काउंट रिकॉर्डेड में 5,000 का डिस्काउंट चल रहा है कल लास्ट डेट है ऑफ जनवरी को रात को ग्यारह बजे तक लास्ट डेट है इसकी अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए टारगेट 23, 24, 25 फोर ट्वेंटी अर्जुना टू एक नंबर बैच है एक अलग तरीके से यहां पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहां पे बेटा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा हर लाइव सेशन का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेगी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा एडवांस कंप्यूटर क्लासेस मिलेगी जैसे कि हमने आपको बताया था सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस डी बी एम एस ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी मिलेगा और हमारी खुद की बनाई हुई ई बुक्स मिलेगी मैथमेटिक्स की लॉजिकल रीजनिंग की कंप्यूटर की ऑनलाइन अर्जुना बैच 2.0 अगर टारगेट में अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें का फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है और हमारे अदर कोर्सेज पे अगर आप जाना चाहते हो तो में की प्रीमियम टेस्ट सीरीज ले सकते हो ये भी कल तक ऑफर है सिर्फ और सिर्फ कल तक फिफ्थ जनवरी तक एटीन हंड्रेड में मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स एट्टी फाइव हंड्रेड में मिल रहा है मतलब एट्टी फाइव हंड्रेड रुपीज पे करके आप निमसेट की हंड्रेड परसेंट पूरी तैयारी कर सकते हो अगर आपका टारगेट 2023 के लिए है और अगर टारगेट 24 के लिए है तो टेस्ट सीरीज की फीस है 5000 की जगह 4000 थाउजेंड एक हजार रुपए का डिस्काउंट चल रहा है और रिकॉर्डेड कोर्स की फीस 20,500 से कम होकर 15,500 है और दो साल का आपको एक्सेस मिलेगा फॉर मोर इंक्वायरी मोर अपडेट यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर एंड दिस वेबसाइट एक बार फिर मिलेंगे एक नए वजन के साथ एक नए मिशन के साथ और कल की क्लास में सबको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कल हम लोग करेंगे पास्ट पास्ट गैलरी का एक लुक मतलब निमसेट में आखिर क्वेश्चंस आते कैसे हैं यार ठीक है इतना पढ़ा है इतना निमसेट से कैसे करेंगे तो आपको देखेगा कि हम बहुत सारे 95, 99 परसेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वंस अगेन थैंक यू बच्चों गुड नाइट शुभरात्रि ध्यान रखिए अपना कोविड आ रहा है कोशिश करिए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस का पालन करें भाई दो हाथ की दूरी ठीक है मास्क है जरूरी का पालन करें क्योंकि कोविड की सिचुएशंस डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है हमारे कंट्री में भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी तो बच्चों आप भी इस बात का ध्यान रखें और घर पर ही रह के अच्छे से पढ़ाई करें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और निमसेट मिशन को ऑन रखें अपने घर पर जरूर अपने टेबल के सामने एन आई टी तीर्षणा अदर एन का फोटो लगा के रखें अपना ड्रीम को ऑफ ना होने दें ड्रीम को हमेशा ऑन रखें और कार्तिक सर से कॉन्टैक्ट में रहें और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करिए बोलिएगा सीधा कार्तिक सर से बात कराएं तो हमारी बात आपसे जरूर होगी और हर प्रॉब्लम का सलूशन देंगे वंस अगेन गुड नाइट थैंक यू